दोस्तों वेलकम बैक टू अर चैनल गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेवेंथ स्टैंडर्ड का लेसन नंबर नाइन दैट इज एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोटीन एंड द फिफ्टींथ ठीक है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पी ब्लॉक एलिमेंट देखो हमने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है द एलीमेंट ऑफ ग्रुप वन एंड टू एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया है। उसी के बेसिस पर उसी में जो सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई थी उसी के बेसिस पे हम लोग ये वाला चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया है और ये बहुत ही ईजी रहेगा समझने के लिए ठीक तो है तो शुरू करते हैं हमें हम लोग दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन देखो एज आई सेट ये एलिमेंट थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये क्या है बच्चों ये पी ब्लॉक एलिमेंट है राइट right? पी ब्लॉक एलिमेंट ओके अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं बिकॉज यू नो वट एवर द एलिमेंट्स बिलोंग टू दैट थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होंगे ठीक है पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स है थर्टीन है फोर्टीन है फिफ्टीन है सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन देखो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हम लोग थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ग्रुप पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमें सेम स्टडी करनी है एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवेंटीथ एंड एटीथ और वो बड़ा चैप्टर है दोस्तों वो बड़ा थियर अबाउट आठ मार्क के लिए वो चैप्टर रहेगा राइट right? तो इसको अच्छे से लर्न करना है इसको अच्छे से समझ लेना है यही आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दैट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन लेसन इन एटीथ ग्रुप इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पी ब्लॉक का हाफ ऑफ दी पी ब्लॉक दैट इज थर्टीन फोर्टी एंड फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट ओके स्टार्ट करते विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्टीन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्टीन ग्रुप ठीक है थर्टीन ग्रुप के लिए है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एलिमेंट कौन कौन से थर्टीन ग्रुप में ये पांच एलिमेंट्स है बेरियम एलुमिनियम गेलियम इंडियम एंड थेलियम ठीक है दिस आर दिज एलिमेंट्स ये है फोर्टीन ग्रुप एंड दिस वन इज अ फिफ्टी ग्रुप ओके सो थर्टीन ये फोर्टीन एंड ये है 15th ग्रुप एलिमेंट ठीक है अब बेरियम एटॉमिक नंबर 5 एल्युमिनियम दिस वन 13th देन गैलियम 31 इंडियम 49 एंड थैलियम 81 ये उसके एटॉमिक नंबर अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो फॉर दिस 13th ग्रुप इज ns2 np1 आउटermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 15th ग्रुप इज ns2 एन पी टू पी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एंड फॉर द फिफ्टीन ग्रुप एन एस टू एन पी थ्री उसी तरह से सिक्सटीन के लिए एन एस टू एनपी फोर सेवनटीन के लिए एन एस टू एनपी फाइव एंड एटीन के लिए एन एस टू एन पी सिक्स इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होंगे तो देख लो बोर्न एटॉमिक नंबर फाइव है तो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 1s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम ओनली देखो स्क्वायर ब्रैकेट हीलियम 2s2 2p1 देखो ns2 np1 लिखा था ना तो सेकंड शेल ऑफ s ऑर्बिटल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल ऑफ p ऑर्बिटल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इस तरह से वो एटॉमिक नंबर 5 हो गया ठीक है एल्यूमिनियम तो नियोन थ्री एस टू थ्री पी वन सिंपली आपको क्या करना है बच्चों यहां पे सिर्फ आपको एक एक शेल बढ़ा देनी है थ्री एस टू थ्री पी वन देन आफ्टर ओवर हियर थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन उसके बाद फॉर द इंडियम क्रिप्टॉन फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी वन देन जेनॉन दिस वन थी जेनॉन

यहां पे जर्मैनियम आर्गोन थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन फोर पी टू इंडियम है फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर सेवन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम टू एस टू टू पी थ्री देखो आउटर मोशन में टू पी थ्री यहाँ पे थ्री पी थ्री फोर पी थ्री 5p3 एंड 6p3 रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली तो आपने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन 13 ग्रुप का कर दिया वही आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिकोर्टीन ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ फिफ्टीन ग्रुप चलो तो ये हो गया जस्ट सिंपली एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखेंगे आप लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ओके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ ऑल द थ्री ग्रुप थर्टीन ग्रुप का एन एस टू एनपी टू एनपी वन 14 ns2 ns2 np2 and 15 group, NS2, np3 समझ में आ गया देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे थर्टीन ग्रुप बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड And this 15 group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and ठीक है चलो कॉन्फिगरेशन इज डन गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के लिए फिजिकल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों हमने ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पढ़ा था कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थे एक तो है कि एटॉमिक रेडियस ओके दूसरा पढ़ा था क्या कौन सा आयोनिक रेडियस क्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही ट्रेंड हमें ऑल दीज प्रस वी हैव टू रिमेंबर ओनली अब देखो एटोमिक अब पहले थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट देख लेते हैं थर्टीन ग्रुपमेंट कौन से पांच है, है. बोरॉन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियमेंट थर्टी थे अगर आप नीचे चले जाओ वो वही फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी बोरॉन टू थेलियम एटॉमिक नंबर देखो बच्चों, इंक्रीज हो रहा है पहला एटॉमिक नंबर बोरोन का फाइव एल्यूमिनियम थर्टीन गेलियम थर्टी वन इंडियम फोर्टी नाइन थेलियम एटी वन एटोमिक नंबर इंक्रीज एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस देखो हम लोग ये ग्रुप ही पढ़ रहे हैं हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था सेकंड ग्रुप पढ़ा था एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप अभी एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन पढ़ रहे हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो उसका आंसर सेम ही रहेगा

डिस्टेंस कम यानी मोर एनर्जी विल रिक्वायर टू रिमूव दैट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली बराबर है तो दैट वाई यू नो बोर की आयोनाइेशन एंथल्पी हाईएस्ट एंड जैसे आप नीचे चले जाओगे टू वर्डीरियम आयोनाइजेशन एंथेल्पी कम होती जाएगी यानी आयोनाइजेशन एंथेल्पी गोइंग टू बी डिक्रीजेज ठीक है अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक दैट ऑफ आयोनाइेशन एनथेल्पी डिक्रीजेज ओनली एंड वॉट अबाउट डेंसिटी डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज ठीक है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज हो जाएगा देखो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड डेंसिटी गोइंग टू बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ठीक है बच्चों ये जो मैंने टेबल रखा है यहाँ पे आपको ये वैल्यू बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं वैल्यू सिंपली uh, याद भी रखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ वो किस तरह से वैरी हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट उस पर्टिकुलर ग्रुप में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस तरह से वैरी हो रही है दैट ओनली यू हैव टू राइट जनरली प्रॉपर्टी वैरी होगी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ओनली ठीक है तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है और उसके लिए रीजन तो कॉमन ही रीजन है इंक्रीज क्यों हो रही है रेडियस या I mean, I gradis, क्योंकि इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनथेल्पी भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओनली एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज़ेस ओके चलो अब ये सेम द सम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फोर्टीन ये फोर्टीन के लिए है फोर्टीन के लिए भी आंसर सेम हो जाएगा फिफ्टीन के लिए भी आंसर सेम हो जाएगा लाइक दैट ऑफ थर्टीन ग्रुप थर्टीन ग्रुप के लिए ऑटोमिक रेडियस इंक्रीज फोर्टीन के लिए भी इंक्रीज फिफ्टीन के लिए भी इंक्रीज आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस फॉर थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन आयोनाइेशन भी डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड डेंसिटी गोइंग टू बी इंक्रीजेस अगर आप चार्ट देख लो तो यहाँ पे वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा फोर्टीन ग्रुप एटोम एलिमेंट कौन सा है कार्बन है सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड एटोमिक नंबर देख लो बच्चों तो ये सिक्स उसके बाद फोर्टीन थर्टी टू फिफ्टी एंड एटी टू एटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप बराबर है इसके वजह से क्या एटोमिक रेडियस इंक्रीज होगा आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा राइट आयोनाइेशन इंथलपी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज ओनली

atomic size increases atomic radius increases ionic radius increases ionisation enthalpy decreases electronegativity decreases atomic uh, sorry density increases so ये सारे प्रॉपर्टीज है जो जो हमने थर्टीन के लिए पढ़ा था तो सेम थिंग एंड सेम थिंग एक्चुअली हमने स्टडी किया था फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो एट लेसन जो हमने पढ़ा था वो भी सेम वैसा ही था ये जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम उसी तरह से वैरी हो रही थी और मैंने वहां पर भी कहा था इवन आई एम रिपीटिंग अगेन कि हर एक ग्रुप के लिए फ्रॉम ग्रुप नंबर वन टू ग्रुप नंबर एटीन पीरियोडिक टेबल में टोटल एटीन वर्टिकल कॉलम्स है उनको ग्रुप्स बोलते हैं राइट right? तो एटीन ग्रुप्स के लिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये उनका वेरिएशन सेम ही रहेगा ये एटॉमिक रेडियस कभी भी डिक्री इंक्रीज ही होगा फ्रॉम फर्स्ट टू एटी आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी एंड डेंसिटी विल गोइंग टू बी इंक्रीज समझ में आ गया ये कॉमन आंसर है फॉर ऑल ओके आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप थर्टींथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप फिफ्टीन एज वेल एज फोर्टीन ग्रुप अब देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा आउटर मोस्ट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 के लिए क्या है में तीन इलेक्ट्रॉन हो, हो रहेंगे इन द आउटर फॉर द फोर्टीन ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन इज एन एस टू एनपी टू क्या एनएस टू एनपी टू यानी वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है टू डोनेट चार इलेक्ट्रॉन बराबर है एंड फिफ्थ में या फिफ्टीन ग्रुप में ns2 टू थ्री टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फाइव ओवर देर इन द मोस्ट मोशन समझ में आ रहा है एन एस टू टू वन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर थ्री टू प्लस वन थ्री एन एस टू एनपी टू 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 फोर फोर्टीन के लिए फोर इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में फिफ्टीन के लिए फाइव इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में ये तो आसानी से याद हो जाएगा थर्टीन ग्रुप के लिए फोर्टीन के लिए फोर इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्टीन के लिए फाइव इलेक्ट्रॉन अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट राइट अब यहां भी देख लो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्टीन ग्रुप इज प्लस थ्री प्लस थ्री क्यों क्योंकि टू प्लस वन थ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पे या फिर समझ लो ये एन एस टू ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट हुए तो पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो प्लस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो प्लस थ्री एंड प्लस वन आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप थर्टींथ समझ में आ गया प्लस वन एंड प्लस थ्री जहां पे प्लस थ्री इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेयर केसेस प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ठीक है तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर डिपेंड होता है कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में उसके ऊपर डिपेंड होता है और हालांकि वो इलेक्ट्रॉन कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो उस वो भी मैटर कर लेता है जैसे कि यहाँ पे एनएस टू एनपी वन टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन बट ये अगर दो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में नहीं जाए तो पी इलेक्ट्रॉन में से पी ऑर्बिटल में से तो डेफिनेटली चले जाएंगे तो प्लस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ा देना है आपने फोर्टीन एन एस टू एनपी टू चार इलेक्ट्रॉन है

फ्रॉम दी अदर एलिमेंट्स ठीक है चार इलेक्ट्रॉन कहां से दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट कर लिए एक्सेप्ट कर लिए तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फोर तो देखो चार तीन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक्सप्रेस करता है फोर्टीन ग्रुप एलिमेंट क्योंकि आउटोमोशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन एस एनपी टू है तो प्लस फोर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं या फिर सिर्फ पी ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो प्लस टू या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले चार टू कंप्लीट द ऑक्टेट तो माइनस फोर ठीक है

प्लस थ्री एंड माइनस थ्री फॉर फिफ्टीन ग्रुप, फोर्टीन के लिए प्लस फोर प्लस टू माइनस फोर ओके एंड फॉर थर्टीन ग्रुप प्लस वन एंड प्लस थ्री अब यहाँ पे हम लोग ये क्यों नहीं बोल रहे कि माइनस क्यों नहीं होगा पांच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि देखो थर्टीन ग्रुप में तीन इलेक्ट्रॉन है राइट अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको पांच इलेक्ट्रॉन चाहिए बट पांच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी टू यू नो कंपेयर टू डोनेट द थ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर ठीक है जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवर देर फॉर दैट एलिमेंट बराबर है element, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए थर्टीन ग्रुप एलिमेंट को फाइव इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उससे बेटर उसके पास एक और ऑप्शन है कि बहुत तीन इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे अंडरस्टूड एंड इनर मोस्ट सेल में वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे इस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द फाइव इलेक्ट्रॉन वो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है और इसीलिए प्लस थ्री या फिर प्लस फोर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं क्लियर हो गया सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या करना पड़ेगा ठीक है, क्लियर हो गया आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चल जाते हैं फॉर द रियक्टिविटी टूवर्ड एयर एंड ऑक्सीजन अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है हम लोग यहां पे देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ओके अब केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन विथ एयर ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन हेलोजन विथ अमोनिया ऑल सॉर्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी विल गोइंग टू सी ओवर हियर ठीक है तो चलो स्टार्ट करते फर्स्ट वन दैट इज द ग्रुप थर्टीन के लिए ठीक है ग्रुप थर्टीन के लिए रिएक्टिविटी रिएक्टिव एयर और ऑक्सीजन तो थर्टीन ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो कौन से यू नो कंपाउंड फॉर्म करेगा फोर्टीन ग्रुप क्या फॉर्म करेगा फिफ्टीन ग्रुप क्या फॉर्म करेगा तो जनरल रिएक्शन यहाँ पे ई यानी एलिमेंट है बच्चों ई यानी क्या है एलिमेंट है और दैट इज ओ टू इज द ऑक्सीजन ओनली ओके अगर थर्टीन ग्रुप एलिमेंट है समझ लो तो यहाँ पे फोर elements of the 13 group combined with the 3 o2 there is a formation of oxide having the formula e2o3 ab dekh lo to 13 group mein kaun sa element hai 13 group mein element hai that is boron theek hai boron aluminum gallium agar hum log simply ek hi aluminium ka reaction le le theek hai to reaction कैसे लिखेंगे हम लोग यहां पे अगर aluminium का example लिखे तो तो 4 ए एल प्लस थ्री ओ टू इट एल टू ओ थ्री समझ में आ गया सिमिलरली बोरॉन के लिए लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन ठीक है सिमिलरली फॉर दी अदर दिलीमेंट ऑफ थर्टीन ग्रुप भी हम लोग वो रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर एलिमेंट रिएक्ट विद नाइट्रोजन आल्सो एंड देयर इज फॉर्मेशन एल्यूमिनियम के लिए लिखू तो टू ए एल प्लस एन टू गिव टू ए एल एन दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड अंडरस्टूड तो दिस वे वी कैन राइट द रिएक्शन अब फोर्टीन ग्रुप के लिए फोर्टीन ग्रुप के ऑक्साइड का क्या है EO या फिर टू फोर्टीन ग्रुप में कौन सा है कार्बन फैमिली बोलते हैं उसको ठीक है कार्बन फैमिली यानी पे एलिमेंट होंगे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड ठीक है कार्बन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं एंड देखो कार्बन के साथ तो सही कार्बन प्लस ओ टू हाफ ओ टू गिव सी ओ सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू ये बच्चों रिएक्शन है और प्रोटीन ग्रुप समझ में आ रहा है उसी तरह से हम लोग सिलिकॉन के लिए लिख सकते हैं जर्मेनियम के लिए लिख सकते हैं ओके 15 ग्रुप एलिमेंट फास्फोरस है रिएक्ट विद 3 ओ2 गिव्स P4O8 फास्फोरस P4 रिएक्ट विद 5 ओ2 गिव्स P4 ओ8 uh, ओ10 है ये देन आर्सेनिक Os4 3 ओ2 गिव्स uh, As4O6 टू बी आई प्लस थ्री ओ टू बीस बी आई टू ओ थ्री तो दिस आर दी ऑक्साइड फॉर्मेशन सिंपली मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड है एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंडेक्टेड बाई दॉटर थर्टीन फोर्टीन के मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो अनफेक्टेड बाई दट फ्यू ऑफ दू रियक्टिंग लाइक एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद्स एच टू ठीक है अगर एल्यूमिनियम को हीट कर ले विद द वॉटर देन इट इज रिएक्टिंग विद द वॉटर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज वन एंड द सेकेंड वन इज टीन रिएक्ट विथ और हीटेड विथ टू एच टू मोलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ एस एन ओ टू टीन ऑक्साइड प्लस टू एच टू यानी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है विथ द रिलीज ऑफ अ हाइड्रोजन गैस वेन वाटर रिएक्ट विद फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन मैगजिम एलिमेंट तो अनरिएक्टेड है अनएफेक्टेड है बाई वॉटर बट कुछ एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम हो गया या फिर टीन हो गया हमने जो अगर हीट कर लिया वाटर के साथ तो वो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बताए बनाएगा बायपनेड बाई द रिलीज ऑफ अ हाइड्रोजन गैस दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स दैलोजन ठीक है बच्चों अब हैलोजन में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है थर्टीन ग्रुप इवन प्रोटीन ग्रुप एज वेल एज फिफ्टीन ग्रुप ये सारे रिएक्ट हो रहे हैं प्रोटीन ग्रुप में सिर्फ कार्बन नहीं रिएक्ट करेगा बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टू रिएक्टिंग ओवर दैर ठीक है समझ लो कि मैं रिएक्शन लिख रहा हूं फॉर दी थर्टीन ग्रुप दैट इज बोरऑन एल्यूमिनियम बोरोन, एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम थेलियम एल्यूमिनियम के साथ मेटल है इजिली रिएक्ट हो रहा है तो उसके साथ ले लेते हैं रिएक्शन को ठीक है या सही एल्यूमिनियम तो टू ए एल

एस आई सी एल फोर सिलीकॉन टेड्राक्लोराइड ठीक है यहां पे नाइट्रोजन के साथ सॉरी फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट के साथ यू नो यूल बी गेटिंग ट्राई हेलाइड एज वेल एज पेंटा हेलाइड फॉस्फरस का रिएक्शन ले लेता हूं से फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस रिएक्टिंग विथ थ्री सी एल टू रिएक्शन oh, बैलेंस नहीं हो रहा है जस्ट अ ओके तो थ्री सी एल टू देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पी सी एल थी थ्री टू जै सिक्स या टू थ्री जिक्स ठीक है दिस इज द रिएक्शन फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड या देखो पी फोर डिफरेंट एलिमेंट डू अ डिफरेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी ठीक है 13, 14, so, uh, uh, Now, catenation property, अब देखो बच्चों कैटिनेशन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कंपाउंड और लॉन्ग चेन ऑफ इट से सिमिलर एलिमेंट एक्चुअली ठीक है जहाँ पे से फॉर एग्जांपल कार्बन फैमिली कार्बन फैमिली यानी कौन सी ग्रुप फोर्टीन कार्बन फैमिली हो गया या फिर से नाइट्रोजन फॉर्मिली डू हैव द कैटिनेशन प्रॉपर्टी जनरली कार्बन फैमिली में तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन इट से शोज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली विल बी गेटिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ अ पॉलीमर ओवर दैर ठीक है हमने शायद आपने सुना होगा टेंथ uh, स्टैंडर्ड में अल्केन जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्किन का पढ़ा होगा अल्काइन का पढ़ा होगा ठीक है यहाँ पे क्या होता है देर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बन एटम ठीक है क्या होता है बच्चों लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बन एटम सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी इस तरह से या फिर कभी कभार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है दिस वे ओनली ओके या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड विल बी देर इस तरह का लॉन्ग चेन फॉर्म होता है अंडरस्टूड सो वेन एवर सिमिलर एलिमेंट डू कंबाइन थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी ऑफ अ सिंगल डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कंपाउंड और लॉन्ग चेन ऑफ इट सेल्फ दैट इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली ठीक है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी से कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं सारे द मेंबर्स ऑफ अल्केन अल्किन अल्काइंस एल्कोहॉल ठीक है फिनॉल अल्डीहाइड कीटोन काबुक्लिक एसिड एस्टर ईथर ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो आपने टेंथ में पढ़े भी है एक्चुअली ठीक है तो ये सारे जो कंपाउंड है ये फॉर्म होता है थ्रू द कैटिनेशन अगर मैं एग्जाम्पल अलकेन का ही लिख लूँ ठीक है इफ आई राइट दी द ए एग्जाम्पल अलकेन ओनली ठीक है तो वट इज द ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ मेंल्केन मीथेन तो मैं लिख दूंगा सी एच फोर ठीक है सेकेंड मेंबर इज ईथेन सी टू एच सिक्स ठीक है दैट इज आई विल राइट एज सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री थर्ड मेंबर इज प्रोपेन C3H8 कैसे लिखूंगा मैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री फोर मेंबर इज ब्यूटेन सी फोर एच टेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ठीक है फिफ्थ मेंबर पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू

एटोमिक रेडियस आयोनिक रेडियस आयोनाइेशन एंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेंसिटी फॉर ऑल 13, 14 एंड 15 ग्रुप ओनली ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 13 ग्रुप का प्लस 3 प्लस वन फोर्टीन ग्रुप प्लस फोर प्लस टू एंड माइनस फोर एंड फिफ्टीन ग्रुप के लिए प्लस फाइव प्लस थ्री एंड माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है एंड दीज आर दी दी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर हेलोजन एयर ठीक है दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड एंड लास्टली वी हैव कम कंप्लीटेड दी कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज वेल ठीक है गाइस अब यहाँ पे ये वीडियो को खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके मैं आऊँगा तब तक बाय बाय टेक